हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से क्या हार्डवेयर होते हैं। जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनको यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम हर एक वो बेसिक चीज़ आपको बताएंगे जिनसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, और इनको बेसिक तरीके से आपको समझाया जाएगा क्या कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। तो हमारा जो हार्डवेयर है वो बेसिक एक फिजिकल एलिमेंट है। फिजिकल एलिमेंट का मतलब जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन है, इसको आप टच कर सकते हैं। ये सीपीयू है, इसको टच कर सकते हैं। ये माउस और कीबोर्ड है, इनको आप लोग टच कर सकते हैं। और इनसे क्या होता है, जिनको आप छू सकते हैं और यूज कर सकते हैं, कहीं पर पोर्टेबल ले जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर हार्डवेयर। इसी को आप हार्डवेयर कहते हैं। कहने का मतलब एक फिजिकल एलिमेंट, और सिंपली भाषा में हम कहते हैं फिजिकल एलिमेंट, ये आपका हार्डवेयर कहलाता है। अब बात करते हैं हार्डवेयर के टाइप्स की। हार्डवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं, दो इसके टाइप्स होते हैं। एक हमारा इंटरनल हार्डवेयर होता है और एक हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। इनको हम आगे डीपली पढ़ेंगे अभी। और एक्सटर्नल हार्डवेयर के भी टू टाइप्स होते हैं, एक हमारा इनपुट डिवाइस और दूसरा हमारा आउटपुट डिवाइस। इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। हार्डवेयर के टाइप्स होते हैं दो, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारा इंटरनल एक तरह से अंदर, एक्सटर्नल जो बाहर, और उसके भी दो टाइप। इनपुट डिवाइस जिनको कहा जाता है, सिंपली भाषा में हम इनपुट डिवाइस के नाम से बहुत सारे जो हमारे इक्विपमेंट है, कंपोनेंट है, उनको जानते हैं, और कुछ हमारे आउटपुट डिवाइस के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल हार्डवेयर की। इंटरनल हार्डवेयर होता क्या है। अब जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो इंटरनल हार्डवेयर है उसके अंदर, कहने का मतलब जो हमारा सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू होता है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो जो चीजें फिट होती हैं, ये हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पे ये स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये अटैच है इसके साथ। और लेकिन इस सीपीयू के अंदर ये सब कुछ दिखा रखा है कि जो पावर सप्लाई है ये सारा का सारा हमारा क्या है, इंटरनल हार्डवेयर है। ये डीवीड रोम ये यहाँ पे लगी होती है, ठीक है। मदरबोर्ड, ये जो मेन सारा जो इसके अंदर सब कुछ जो भी कंट्रोलिंग सिस्टम है इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। ये सीपीयू प्रोसेसर होता है आपका, ये प्रोसेसर के ऊपर उसको कूल रखने के लिए फैन यूज किया जाता है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। नेक्स्ट हमारा विजिए कार्ड है, जो हमारा वीडियोग्राफी जिसको चलाने में हमारी हेल्प करता है। साउंड कार्ड है, जो साउंड जो हमारी स्पीकर के थ्रू बाहर आती है, उस चीज को जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी यहाँ पे हार्ड डिस्क के अंदर कंट्रोल होती है। ये रीडर ऑल इन इंटरनल सिस्टम है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा जो भी हमारे कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर फिट होते हैं उनको हमारा कहा जाता है इंटरनल हार्डवेयर। सिर्फ एक आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनल जो अंदर है, अंदर जो हमारे सीपीयू के अंदर जितने भी इक्विपमेंट हमारे लगे हुए हैं वो आपके इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। और जो जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को रन कर पाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हमारा एक्सटर्नल डिवाइसेस की। और इंटरनल हार्डवेयर को भी हम अलग से एक एक करके बाद में डीपली पढ़ेंगे, ये हमारे कई सारे कंपोनेंट को हम क्लियर क्लैरिफाई कर लेंगे। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर, अब एक्सटर्नल मतलब कि बाहर,
अब बाहर आप देखते हैं कंप्यूटर जो हमारा वो बॉक्स था इंटरनल, हम आपने देखा था उसके साथ काफी सारी चीजें अटैच थी, जो जो चीजें उसके साथ अटैच हो सकती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मॉनिटर, वो उसके साथ अटैच होता है। ये भी मॉनिटर है, ये जो पुराने वाले मॉनिटर थे सीआरटी कैथोड रेज ट्यूब इसको बोलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है। सीआरटी की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे मॉनिटर हैं जो आज के टाइम में जो हमारे टीएफटी मॉनिटर आते हैं, लेजर प्रिंटर हमारे उसके साथ अटैच होते हैं। इनको भी हम डीपली पढ़ेंगे, हर एक को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। स्पीकर है हमारे, डॉट मैट प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर हैं, और ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हैं। तो कहने का मतलब जितनी भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ उस सीपीयू के साथ अलग से अटैच कर सकते हैं उनको ही एक्सटर्नल हार्डवेयर कहा जाता है। इन सभी जो जैसे हमारे कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल हार्डवेयर है, क्योंकि हम बाहर से इन चीजों को हमारे जो सीपीयू के साथ अटैच कर रहे हैं। चलिए अब इनको एक एक करके डीपली पढ़ते हैं। अब हमारा इसमें हमने दो टाइप बताए थे कि इंटरनल जो हमारा एक्सटर्नल है उसके दो टाइप बताए थे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। जो सबसे पहली हमारी आती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारी क्या होती है? इनपुट डिवाइस में हम सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा कीबोर्ड की। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से कीबोर्ड होता है लैपटॉप के अंदर, और जो हमारा एक्सटर्नल कीबोर्ड होता है उसके अंदर बहुत सारे की आपको अलग से भी देखने को पड़ेंगे, कई सारे टाइप हमारे कीबोर्ड के आते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं एक्सटर्नल जो हमारा कीबोर्ड है उसकी, उस कीबोर्ड के अंदर सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कितनी की होती हैं, की आपकी 104 की, आपका जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है आज के टाइम में मार्केट में आप लेके आते हैं जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड, उसके अंदर 104 की आपकी अवेलेबल होती है। क्वेश्चन यही आता है कि हाउ मेनी कीज इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड, देन योर आंसर इज 104 कीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसका की पैटर्न क्या होता है। की पैटर्न आपका क्वेरिटी होता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पे की क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, तो स्टार्टिंग जो आपकी की अल्फाबेटिकली पैटर्न होता है वो आपका यहां पे क्या होता है, क्वेरिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की जो आपका इसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक, बहुत से कीबोर्ड आप देखोगे कि उनके अंदर यहाँ साइड में मतलब बहुत सारा की में मिलेंगे कि 1 2 3 4 अलग से अल्फा न्यूमेरिक की का पोर्शन भी मिलता है, नहीं तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक की है, ठीक है। और 0 to 9 अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिक हो गया, न्यूमेरिक की हमारे 9 हो गए, और अल्फा जो है हमारे ए टू जेड यहाँ पे अवेलेबल है, क्वालिटी के अंदर हमारे अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल जो सी टी आर एल बटन आपको कीबोर्ड पे लिखा मिलता है सी टी आर एल, वो आपका क्या होता है, कंट्रोल की होता है। उसके बाद अल्ट और एस्केप, ये सारे के सारे आपके की होते हैं। नेक्स्ट इज योर फंक्शन की। फंक्शन की आपका F1 से लेकर F12 तक आपका सारा का सारा फंक्शन की होता है। देखिए यहां पर आपको इस कीबोर्ड के अंदर यहां पे दिखाई दे रहा है कि जो हमारा यहां ऊपर वाले पोर्शन में F1, F2, F3, F4, F5 ये 12 तक यहाँ पे इस पोर्शन तक ये आपके जितने भी हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, आपके फंक्शन की कहलाते हैं। अब यहाँ पे अब बात आती है आपकी स्पेशल की की। स्पेशल की कैप्सलॉक की, यहाँ पे कैप्सलॉक की यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्सलॉक की है हमारी।
और उसके बाद बैक स्पेस की, ये हमारी बैक स्पेस की है यहाँ पर, और उसके बाद ये हमारा स्पेस बार बटन है, और ये हमारे एरो की है, और ये हमारा होम पेज, यहाँ पे होम पेज है, और ये हमारा एंड है। ये जो पेज को सबसे पहले फ्रंट पेज पर जब हम कई पेज का कोई इंफॉर्मेशन या डाटा या पेज पढ़ रहे हैं जिसमें कई सारे पेज हैं, होम पेज करते ही पहले पेज पर आ जाते हैं, एंड पेज करते ही लास्ट पेज पर चल मूव हो जाता है डायरेक्टली। तो इस तरह से हमारे कीबोर्ड के अंदर यहाँ बहुत सारे हैं, ये सारी की सारी फंक्शन की हैं। ये आपका बीच में पोर्शन अगर देखा जाए, यह आपका न्यूमेरिक और जो आपका अल्फा की है, ठीक है, न्यूमेरिक पोर्शन हमारा यहाँ पे भी अवेलेबल होता है। तो इस तरह से कीबोर्ड के अंदर हमारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन का डाटा आपको अवेलेबल मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं माउस की। अब माउस के अंदर हमारा क्या होता है, माउस हमारे पास ऐसे तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक तो माउस आपका ये वायरलेस माउस है और एक आपका वायर्ड माउस है। तो माउस होता क्या है, माउस आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। याद रखना क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि माउस किस टाइप का डिवाइस है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अब पॉइंटिंग डिवाइस कैसे, अगर आपने कंप्यूटर चला के देखा है तो आप देखते हो तो माउस की जो ये यहाँ एक तो यहाँ बटन होता है, एक इसका यहाँ बटन होता है, और ये जो बीच का पोर्शन होता है ये रोल करने के लिए आपका होता है। रोल का मतलब जो आप कहीं किसी पेज को अप डाउन करते हैं इस तरह से, उसके लिए हम यूज करते हैं, ये दो बटन यहाँ पे होते हैं। तो पॉइंटिंग, इस जो लेफ्ट बटन और राइट बटन है, लेफ्ट बटन से ज्यादातर हम क्या है पॉइंटिंग का काम करते हैं, और कई सारे राइट बटन से हमारे ऑप्शन को ओपन करने के लिए, किसी चीज की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए हम राइट बटन का यूज करते हैं। तो ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है, इससे क्या क्या होता है, कमांड क्या क्या दी जाती है, जो कंप्यूटर के अंदर कमांड हम कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस का हर टाइम आप सिर्फ एक चीज माइंड में बैठा के रखें, कोई भी आपके सामने जब कोई भी हार्डवेयर आता है, सबसे पहले आप उस चीज की स्पेसिफिकेशन देखो कि उससे हमको मिल क्या रहा है, या उसके थ्रू हम किसी चीज को दे रहे हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। अब जैसे कीबोर्ड था या माउस है, तो आप ये देखो कि कीबोर्ड से क्या हमको कोई इंफॉर्मेशन बाहर मिलती है, नहीं मिलती, और लेकिन इनसे कोई ना कोई कमांड हम विद द हेल्प ऑफ क्लिक कंप्यूटर के अंदर दे रहे होते हैं। क्लिक दबा के हम कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजते हैं, कीबोर्ड का की दबा के कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। तो इसी तरह से हमको ध्यान में रखना है कि जब हम उसके अंदर कुछ भेज रहे हैं वो इनपुट डिवाइस है। अब इससे और एक और यहां से क्वेश्चन बनता है माउस का कि यहां से हम ड्रॉप और ड्रैग किस हार्डवेयर की हेल्प से कर सकते हैं, वो हमारा माउस होता है। ड्रॉप और ड्रैग, देखो ड्रैग करना क्या होता है, मतलब कहीं से कोई भी ऑप्शन हम क्लिक कर लेते हैं, कुछ सिलेक्ट करते हैं एक तरह से पोर्शन, तो एक जगह जगह पर हम क्लिक दबा के उसको मूवमेंट करवा देना, ड्रैग और ड्रॉप कहलाता है आपका, ठीक है, ये आपका ड्रैग और ड्रॉप कहलाएगा। और नेक्स्ट है हमारा, इसके टू टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। टू टाइप्स कैसे, अब एक तो हमारे जो ये जो है वायरलेस और वायर्ड, ये तो हमारे इसके टाइप इस तरह से होते हैं कि हम इनको वायर्ड और वायरलेस यूज करते हैं बिना वायर का, और लेकिन इसके जो बेसिकली टाइप होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक तो मैकेनिकल जो हमारा है माउस होता है, मैकेनिकल माउस वो किस तरह का होता है, मैकेनिकल माउस जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक नीचे एक बोल है, वो बोल यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर डलती है, आपके इस पोर्शन के अंदर डलती है, इस बोल को डाला जाता है, जब हम सरफेस पे इसको मूवमेंट करवाते हैं तो ये बोल मूवमेंट होती है, और उसी के हिसाब से आपका ये कर्सर जो है स्क्रीन पर मूवमेंट
करता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल माउस। इसके अंदर आपका ऑप्टिकल सेंसर होता है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि एक ये रेड लाइट आपको यहां दिखाई देती है। जब आप इसके पास में कोई भी मूवमेंट किसी भी सरफेस पर आपको इसको मूवमेंट करते हैं तो रेड लाइट अलर्ट हो जाती है, सेंस करती है ये, और उस टाइम जिस हिसाब से उसकी मूवमेंट होती है सरफेस के ऊपर उसी हिसाब से ये कंप्यूटर के अंदर आपकी मूवमेंट को शो कर देता है। ठीक है, तो ये है आपका माउस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी इनपुट डिवाइस की, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होता क्या है? अब माइक्रोफोन आप ध्यान से देखिए, यहां पिक्चर में दिखाई दे रही है, जिससे हम माइक जिसको बोलते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, माइक को माइक्रोफोन भी बोलते हैं। तो ये भी एक्सटर्नल आपकी है जो, लेकिन इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस कैसे है कि इसके अंदर आप आवाज बोलते हो और वो आवाज ये क्या करता है, रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में आपका डाल देता है, भेज देता है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि यहां से हम इन कर रहे हैं, अपनी साउंड को इन कर रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, दैट इज योर इनपुट डिवाइस। इससे समझ पा रहे हैं कि हम, ये हमारी इनपुट डिवाइस होगी जिसके थ्रू, इससे हमको बाहर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को इसके अंदर भेज रहे हैं कंप्यूटर के, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा स्कैनर आता है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर से आप समझिए कि जो कुछ स्कैन करना, जैसे हम कोई पेज स्कैन करते हैं, और ये इनपुट डिवाइस कैसे है? देखो यहां पे हम कोई भी पेज रखते हैं, पेज रख के हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे पेज रख दिया और इसको स्कैन करके उस पेज को उस इमेज के रूप में कंप्यूटर में क्या कर देता है, इंसर्ट कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट हो जाती है वो इमेज, इसलिए ये स्कैनर कहलाया जाता है। अब स्कैनर इनपुट डिवाइस है हमारे, और इसके भी टू टाइप्स होते हैं। अब टू टाइप्स कौन कौन से क्या क्या होते हैं? एक तो हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, नाम से ही पता चल रहा है, हैंड हेल्ड मतलब हाथ का कुछ ना कुछ काम होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हैंड हेल्ड में सिंपली हाथ से किसी भी चीज को ये स्कैन करने का काम करता है, ये उस इमेज को जब तक इसमें जैसे बटन होते हैं दबा के और उसके ऊपर से मूवमेंट करवा देते हैं। चीप होता है, आसानी से पोर्टेबल भी है, कहीं भी आसानी से लेके जाया जा सकता है और मूवमेंट करवाया जा सकता है, और ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। दूसरा हमारा है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर, इसके ऊपर हम पेज रखेंगे, एक जगह से सिचुएटेड होता है, और यहाँ पे इस तरह से हम इस चीज को फ्लैट बेड स्कैनर में क्या करेंगे, किसी भी इमेज को उसके अंदर भेज सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई भी हमारा हार्ड कॉपी है उसको आसानी से कंप्यूटर के अंदर हम भेज पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस आती है, वो हमारी आती है वेब कैम। अब वेब कैम क्या होता है? एक वो सिंपल कैमरा होता है, ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस इस वजह से है, ये क्या करता है, ये हमारी इमेज को कैप्चर करता है और कंप्यूटर के अंदर भेज देता है, उस इमेज को कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देता है। ये होता है हमारा वेब कैम, जो आप देखते हैं, अलग से हम इसको रख लेते हैं, या जो आपके लैपटॉप वगैरह आते हैं उनमें इनबिल्ट होता है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपने बहुत बार सुना है, बच्चे खेलते भी हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, जॉयस्टिक में बहुत सारे ऐसे की होते हैं, वो कंट्रोलिंग का काम करते हैं। इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग करने का जैसे माउस का काम होता है स्क्रीन पर, और ये पॉइंटिंग डिवाइस गेम के अंदर इजीली इससे पॉइंट आउट हो जाते हैं, गेम से गेम को खेलने में हेल्प करती है, और कंट्रोल होते हैं गेम के, वो इससे इजीली किए जा सकते हैं। तो एक तरह से माउस का काम गेम के अंदर ये करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अभी चर्चा करेंगे हम। सबसे पहला हमारा मॉनिटर होता है। मॉनिटर
क्या होता है। आप देख पा रहे हैं यहां से आउटपुट डिवाइस क्यों कहा इसको। अब देखो हम इसके अंदर कोई बटन दबा गए या कुछ ऐसे इनपुट तो नहीं दे रहे कि हमने कोई की दबाई और इससे वो इंफॉर्मेशन या वो कमांड हमारी कंप्यूटर के अंदर चली गई, लेकिन यहां से हमको क्या मिलता है, लेकिन आउटपुट जो डिस्प्ले पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमको देखने को बाहर मिल रही है, जो कंप्यूटर के अंदर चल रहा है वो हमको बाहर उस चीज की जानकारी हमको मिल रही है, इसलिए ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। डिस्प्ले पर हमको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये आपका डॉट से मिलकर बना होता है जो स्क्रीन है आपकी। अगर हम क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी चेक करते हैं स्क्रीन की क्लैरिटी या कोई पिक्चर की क्लैरिटी किस बेस पर होती है, वो चेक करने का जो माप होता है वो हमारा डॉट DPI जिसको बोलते हैं, डॉट पर सेकंड, सॉरी इसमें पिक्सल होता है, ठीक है। पिक्सल हमारा होता है कि जैसे आप सिंपली वे में अगर मैं बताऊं कि जैसे आपके कलर टीवी होते हैं उनमें जब कई बार उसमें कुछ खराबी आती है तो जैसे डॉट 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 ऐसे उसमें दिखाई देने लग जाते हैं, वो टिमटिमाने लग जाते हैं कहीं ना कहीं डॉट। तो अगर देखा जाए ना किसी, या फिर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कोई आपके पास फोन है या कंप्यूटर है उसमें जो भी आपकी इमेज है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब जितना हो सके उसको क्या करो, जूम कर दो, ठीक है। जब आप जूम करोगे उस इमेज को क्या होगा उससे, जैसे ही आपकी मान लो कोई इमेज है उस पे आप देखोगे एक तरह से वो बॉक्सेस से जुड़े नजर आएंगे, सारे की सारी इमेज एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के रूप में आपको जुड़ी नजर आएंगी। तो वो क्या होता है आपका, वो एक छोटे छोटे जो बॉक्स है वही आपके पिक्सल हैं। जब आप कंप्लीटली उसको एक्स्ट्रा लार्ज उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो डॉट्स रेक्टेंगुलर शेप में छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर वो बनी है, वो जो शेप बॉक्स हैं वो आपके पिक्सल कहलाते हैं। और जितने ज्यादा पिक्सल ज्यादा होंगे किसी इमेज में वो उतनी ही ज्यादा साफ नजर आएगी, क्लैरिटी आपको नजर आएगी उसके अंदर, ठीक है। और डॉट पर इंच, एक इंच के अंदर कितने सारे डॉट अवेलेबल हो सकते हैं, ये इसका DPI माप होता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसको कैसे मापा जाता है, पिक्सल से मापा जाता है, और जो पिक्सल मापने का तरीका है जिसको DPI बोलते हैं, डॉट पर इंच। अब आज के टाइम में आप देखते हैं कि LCD आपकी आ चुकी है, उसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब कैसे पता चले वो LCD है या LED है, जैसे ही आप उसकी स्क्रीन को टच करेंगे ना तो आपको लगेगा कि उसके अंदर कुछ लिक्विड टाइप में है, आपको पता चल जाएगा उसी टाइम कि ये LCD है। और LED एक लाइट एमिटिंग डायोड, वो भी आज के टाइम में मार्केट में होती है, जिसमें लाइट एमिटिंग डायोड से कैसे पता चले, जैसे ही हम उसकी स्क्रीन को भी टच करेंगे हमें कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा कि जैसे उसके अंदर कोई लिक्विड है, फ्लैट सरफेस नजर आएगी वो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा, हम बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है और आप यूज करते हैं, ये क्या करता है, हमको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। किसी भी जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी है जिसको हम टच नहीं कर सकते तो उसको हार्ड कॉपी के रूप में हमको आउटपुट में देता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को आउटपुट में हमको हार्ड कॉपी में देता है। अब प्रिंटर के हमारे कुछ टाइप होते हैं। अब क्या टाइप होते हैं, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इंपैक्ट। इन दोनों बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे अब आगे डिटेल में। पहले यहां से थोड़ा सा ध्यान रखें, एक तो डेजी व्हील के नाम से जो प्रिंटर होता है वो आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है, और डॉट मैट्रिक्स वो भी आपका इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इसी तरह नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, इंकजेट, थर्मल, लेजर, ठीक है। इंकजेट, थर्मल और लेजर ये आपकी क्या कहलाए जाते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनको डिटेल में।
अब पहला हमारा है इंपैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर का फर्स्ट टाइप इंपैक्ट प्रिंटर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि आप बैंकों में ज्यादातर इस मशीन को, प्रिंटर को देखते हैं कि वो ड्राफ्ट निकालने के लिए इस तरह की मशीन रखी होती है, साउंड करती है और एक एक लाइन को, एक रिबन होता है, उस रिबन के ऊपर से वो एक एक लाइन को प्रिंट करती चलती है आपकी, ठीक है। ये कहलाती है आपकी प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर, मतलब कुछ ना कुछ जो फिजिकली पेपर के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, जैसे हथौड़े की टाइप में हमने कुछ कुछ ना कुछ उस पर प्रेस करते हैं, उसी तरह से इसके ऊपर ऐसे प्रेस होता है पेज के ऊपर, स्प्रे मतलब जो इंक है वो होती है। इसका एक टाइप आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसमें आपका करेक्टर बाय करेक्टर क्या होता है, हम जो है प्रिंट होता रहता है। और दूसरा आपने डेजी व्हील, डेजी व्हील देखा था, उसमें भी एक रिबन टाइप में होता है और इसी तरह से वो आपका प्रिंट कर देती है लाइन इस तरह से, ओके। ये नेक्स्ट आपका आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कलर आज के टाइम में जितने भी प्रिंटर है नॉन इंपैक्ट, जिसका पेज पर कोई स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप टाइपराइटर देखते थे उस तरह से वो स्ट्राइक होता है, जो टाइपराइटर है वो आपका एक टाइप है इंपैक्ट प्रिंटर का। इंपैक्ट मतलब किसी चीज पर असर डाल रहा है, ये नॉन इंपैक्ट मतलब बिना उसको टच किए उस पर एक तरह से स्प्रे के थ्रू हम क्या कर देते हैं, उस पर प्रिंट कर देते हैं। ये हमारा एक तो इंकजेट प्रिंटर होता है, एक लेजर प्रिंटर होते हैं, और लेजर प्रिंटर में क्या होता है, स्प्रे टाइप में, बीम टाइप में वो उस चीज को इंकजेट में एक स्प्रे करते हैं पेज के ऊपर वो जो प्रिंटर है, और लेजर में बीम के थ्रू वो उस चीज को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये लाइन बाय लाइन इंकजेट हमारा करता रहता है, ठीक है। अब एक आता है हमारा स्पीकर, स्पीकर क्या होता है, स्पीकर बेसिकली साउंड को हमको बाहर दे रहा है, सिर्फ ध्यान ये रखना स्पीकर बाहर आवाज हमको मिल रही है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से भी कोई ना कोई इमेज हमको बाहर देखने को मिलती है, इसीलिए ये भी हमारी क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई। आज के लिए वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना।